दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, काराकट लोकसभा क्षेत्र जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां से जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हैं वो है पावर स्टार पवन सिंह। जी हां, भोजपुरी के किंग कहे जाने वाले पवन सिंह इस चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं काराकट लोकसभा क्षेत्र से, जिनको लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि आप अगर एग्जिट पोल देखेंगे यूट्यूब पर, जो बहुत सारे यूट्यूबर पोस्ट किए हैं एग्जिट पोल, उसमें किसी में 61%, तो किसी में 70%, किसी में मतलब 65%, इस प्रकार से पवन सिंह को वोट मिला है। जी हम एक एग्जिट पोल आपको हम दिखाने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, एग्जिट पोल हम आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक आरके धर्मात्मा करके यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने एक एग्जिट पोल पोस्ट किया है जिसमें काराकट से कौन जीतेगा, उन्होंने पहले नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा को रखा है, दूसरे नंबर पर पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी को रखा है, तीसरे नंबर पर राजा राम महागठबंधन से रखा है। देखिए, जिसमें 15% उपेंद्र कुशवाहा जी की, जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं, हाँ, उनको मिला है। वहीं पवन सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है उनको 61% वोट मिला है, वहीं राजा राम महागठबंधन से है उनको 24%, और इसमें जो कुल वोट की संख्या है वो 17,000 है। देखिए, 17,000 में से 61% पवन सिंह को मिला है, तो हम क्यों ना कहें कि पवन सिंह एक तरफा जीत रहे हैं। जहां 24%, जहां 15% और वहां 61% अगर पोल दिखे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कहेगा कि हाँ, यहां से पवन सिंह जीत रहे हैं। और पवन सिंह को जीतने के पीछे एक और कारण भी है, उनके साथ युवाओं का मजबूत समर्थन है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा मजबूत समर्थन है। जहाँ कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो